शीर्ष में भी एक स्पीड बनी हुई है। और जैसे यहां पे जयंत चौधरी जी ने कहा कि स्पीड बताती है कि फिर एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आएगी भी क्यों नहीं, जो हमारे पूर्वजों को सम्मान दे उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। पहली बार चौधरी साहब को मोदी जी ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव बढ़ाया है। चौधरी साहब ने इस बात को कहा था, भारत के विकास का मार्ग खेत और खलिहान से होकर के जाता है, अन्नदाता किसान का सम्मान होगा तब भारत का सम्मान बढ़ेगा। और यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उन्होंने अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की। आज परिणाम हम सबके सामने है, आज हम सब उसके बारे में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर चौधरी साहब का सम्मान का हो, भारत को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाने का कार्य हो, भारत की सीमा को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हो, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का कार्य हो, या फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 12 लेन का एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला, एम्स जैसे संस्थान, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की स्थापना, हर घर नल की योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नए भारत की पहचान बन रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो कल एक बात यही कह रहा था, भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है, और भारत से अलग हुआ पाकिस्तान मात्र 75 वर्ष में ही ऐसा हाल हो गया कि वहां भूख के लाले पड़ रहे हैं। वे 25 करोड़ लोगों को, यानी 23 करोड़ कुल आबादी है वहां की, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रही है अपने देश के अंदर। जब अच्छा नेता आप चुनते हैं, अच्छी सरकार चुनते हैं, तो परिणाम भी अच्छा आता है। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, और 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास, 2.5 करोड़ घरों तक फ्री में बिजली पहुंचाने का कार्य, ये मोदी सरकार की पहचान है। आपने परसों देखा होगा ना, यहां पे अभी चौधरी साहब तो अपने संबोधन में राम राम कह रहे थे, और आपने परसों अयोध्या में रामनवमी के दिन देखा होगा रामलला का सूर्याभिषेक हो रहा था। भगवान सूर्य की किरणों से भगवान रामलला के ललाट पर आपने कुछ मिनटों तक देखा होगा कैसे भगवान सूर्य जगमगा रहे थे। ये हमारा भारत उसी सूर्य की तरह जगमगाहट करते हुए हम सबको गौरवान्वित कर रहा था। बहनों और भाइयों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, किसान के खेत से
उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। और सरकार बीजेपी की आई, हम लोगों ने एनडीए की सरकार में 15 लाख निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहनों भाइयों, 27,000 करोड़ रुपए इस वर्ष हमने बजट में दे दिए हैं, गत वर्ष का पैसा भी दे दिया है। अन्नदाता किसान को कोई पैसा नहीं देना होगा। बहनों और भाइयों, जो चौधरी साहब की का सपना था किसान को सुविधा मिले, उसी सपने को साकार करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कावड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है, इस बात को देख लेना। बहनों और भाइयों, ये जब मजबूत सरकार आती है तो सुशासन और सुरक्षा का ऐसा ही लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त होता है। और देश के अंदर आज जो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार, तो 400 पार के लिए और मोदी सरकार के लिए बागपत में भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। और चुनाव चिन्ह है नल। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसा कार्यकर्ता। बहनों और भाइयों, मैं सचमुच जयंत चौधरी जी को, राष्ट्रीय लोकदल को हृदय से धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा कि एक ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए उतारा। एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने चौधरी साहब के समय से उनकी विरासत का संरक्षण करते हुए उस परंपरा के साथ जुड़ करके पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए लगातार उन मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य करते रहे, और आज फिर चाहे वह कोई पद मिले ना मिले, लेकिन चौधरी साहब की विरासत को और उनके मूल्यों और आदर्शों का अनुसरण करते हुए कार्य करना है। और आज राष्ट्रीय लोकदल ने, जयंत चौधरी जी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर के, एनडीए का प्रत्याशी बनाकर के बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर आपके बीच में उतारा है। जिन्होंने पूरा जीवन लोक मंगल के लिए, जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसे डॉक्टर राजकुमार सांगवान हम सबके प्रत्याशी बनकर के आपकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। और इसीलिए हम सबका कहना है कि फिर एक बार मोदी सरकार का सपना साकार होगा तब, जब बागपत में भी राजकुमार सांगवान विजयी होकर के जाएंगे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। उन्होंने अच्छा नारा दिया, चलेगा नल तो खिलेगा कमल। तो कमल खिलाने के लिए बागपत में नल आवश्यक है। सहमत है ना? तो लेकिन इसके लिए आप सबको राजकुमार सांगवान बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक वोट को इस लोकसभा सीट में नल चुनाव चिन्ह के साथ जोड़ना पड़ेगा। और 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो राजकुमार सांगवान को चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए देश की लोकसभा में चुन करके भेजना पड़ेगा। सभी लोग सहमत हैं? गर्मी कितनी भी रहेगी, आप लोग
चुनाव के दिन, मतदान के दिन पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे, राजकुमार सांगवान को विजयी बना के भेजेंगे, भारी बहुमत से ना। जब माताओं का आशीर्वाद हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं तो इस बात को मानता हूं, और इसलिए बहनों और भाइयों, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को नल चुनाव चिन्ह के साथ भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज मैं भी, जयंत चौधरी जी भी, ये पूरा मंच भी आपके बीच आया है। आप सब उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे।